मना कर दिया उन्होंने कि इनका हार्ट बीट ज्यादा हो रही है, अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो हार्ट बीट तो इसकी अभी भी ज्यादा हो रही है ना भाई, हार्ट अटैक आ सकता है। और एक बार आप भी गए इसको तो उन्होंने क्या डाला, जब एक बार हार्ट अटैक आ गया इसको दर्द में ही आ गया, हमें पता ही नहीं चला। दर्द में हार्ट अटैक कैसे आ जाता है? यहाँ पे इस साइड में दर्द हुआ था, इस कंधे में। पैर में देखिए दर्द है हल्का हुआ, कमर का हो गया हल्का, ये कहीं गया होगा जरूर बाहर आ गया ना, इसको सूक्ष्म चीज पाएगी कोई ताकतवर। देखो वापिस जो आई है ना ऐसे नहीं आई है, देख अब देख कमर में है क्या, कहाँ है पैर में, नीचे कहाँ पे, तू बैठ बैठा इसको बैठा। अब पैर को ऐसे करो, मैं फिर देखता हूँ। क्या नाम है तेरा? हाँ बिठा दे, जब ये ऐसे ऐसे लेटा रहता तब भी दर्द होता है तुझे? सारी लेना भाई, हाँ दिसंबर से सोया नहीं है, और दिन में क्या हालत रहती है? दिन में तो ठीक रहते हैं, 1-12 बजे से चालू उसका दर्द। नहीं दिन में कम कैसे होता है? दिन में कुछ नहीं, इतना परेशान नहीं करता जितना रात में करता है। तकिया चाहिए? तकिए के बिना नहीं लेट हो जाता। तू सीधी बैठ ना, ऐसे ही बैठ बेटा, ऐसे ही बैठ। अब देख दर्द कहाँ है, रुक जाए एक सेकंड, सारी चीज करा के भेजूंगा, रुक जाए। आ गया है ना अब ये मेरे, ये क्या करता है बताया था ना, एलईडी पेंटिंग करते हैं। अब मेरे को ये बता दिसंबर के महीने में तुमने क्या क्या किया? कोई काम ही नहीं किया। पहली बार जब दर्द हुआ था तो किस दिन हुआ था? उस टाइम तो बाहर था कि घर में था? काम पे था, तो काम पे जैसे काम से वापस आया, दिन में काम में कुछ महसूस हुआ था? दर्द हुआ था उस दिन में ही आया, फिर तू काम से वापस आ गया। तो जब दर्द हुआ था तुझे झटका लगा था कोई या गिर पड़ा था? और सोते सोते में क्या दिखाई दिया? दर्द की गोली खा के सो गया। यहाँ कौन आएगा भाई? आ बस तू उस पे आ सोनू अंदर। अरे किसी पे हार्ट बीट वाली वो मशीन है क्या? कोई किसी के हाथ में वो मशीन है क्या? वो हार्ट बीट नापती है जो मशीन ही रखती तू। दर्द बता कर, क्या हॉस्पिटल में लग रहा है क्या? नहीं बैठ जाओ, ये खड़ खड़ कर नहीं देख क्यों कर रहा है? देख तू तेरे को ये अंडा पकड़ रही है, दर्द हो रहा है कहीं कमर में? नहीं आया तेरी समझ में? तू इसको इस हालत में पकड़ रही है, अगर इसकी कमर में दर्द होता तो इस हालत में कितना होता? और तू गर्दन पे हाथ लगा के पकड़ रही है, और जबकि इसके यहीं से ये दर्द बनाता है ना भाई, और ये अब अपने आप भी पकड़ रहा है। देख छोड़िए, दर्द हुआ भाई कहीं पैर में? कहीं दर्द हो रहा है? ऐसे तो तू कल्पना ही कर सकती है, ऐसे करेगा कभी? तब तू थोड़ा गहरा है बेटा। काली क्या नाम है तेरा? सीमा। तो काली कहूँ तो क्या, तो काली तो है नहीं है क्या लगती है? अरे ये भाई है, मैंने देखो भाई की कितनी केयर करती है, तेरे साथ साथ फिरते दोनों है ना, काम छोड़े 4 महीने से सोए ही नहीं है।
कैसे दवाते रहेंगे ना तो हम ये रात के टाइम में ज्यादा कैसे बढ़ जाते हैं? डॉक्टर कहते हैं लोग बॉडी रिलैक्स होती है ना तब ज्यादा दर्द होता है। अच्छा तो अब रिलैक्स हो रही है इसकी बॉडी, अब दर्द क्यों नहीं हो रहा? नहीं अब ऐसे बॉडी रिलैक्स हो रही है तो दर्द अब क्यों नहीं बढ़ रहा? फेंटा कैसी लगी मेरे प्यारे? मैं भी अच्छा हूँ ना, मैं अच्छा हूँ कि नहीं? ये तो तुझे भेज देता है, तुझे ये नहीं पता इतनी ताकतवर चीजें निकालता कौन। तो हाँ हाँ इसके हाथ में बांध के इसका चेक कर जल्दी आ भाई, इसको तो करना ही नहीं आता। अच्छा तू आ इसके हाथ में बांध के इधर चेक कर। अरे इसके पास ये भी तो है। तो लगानी पड़ेगी इसको, इस साइड कर देना थोड़ा सा, हार्ट देखना है ना। ये 132 है? नहीं वो मेरा दिखा था। तेरी 132 रहती है? 98 तो कोई ज़्यादा नहीं। इधर आई 83 है, अच्छी है। क्या हो रहा है तुझे? अच्छी है, पहले भी इसको कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। इसमें बीपी दिखाता है। अच्छा बीपी भी चेक कर ले। ये कौन है गोरी सी? और तेरे साथ आई? नहीं, तो तुझे घूर क्यों रही थी गोरी सी? और मैं कह रही बैठ जाओ, मैंने यूं बोला। नॉर्मल है, नहीं देखने देना उसको भैया जी। लोअर वाला 93 69 69 ऊपर की, मतलब एक बीपी ऊपर की रहती है। 80 से 120 होती है ना? हाँ नॉर्मल, तो इनकी 70 से 100 है। 70 से 100 है नॉर्मल ही इनकी तो। हाँ हार्ट तो ठीक है भाई तुम्हारा? हार्ट बीट बढ़ रही है, डर लग रहा है मुझे। कैसे पता मैं अच्छा आदमी हूँ? तू आज पहली बार आया? ले तेरे को किसने बताया मेरे बारे में? अच्छा तुझे ये पता है आज तुझे ये भेज रहा था और तुझे भेज देता तेरा इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता। अब तो आशीर्वाद के लिए आए थे, मैं भी आशीर्वाद ले लेते एक बार। किसने कहा था? मेरे दोस्त ने, तो मेरे को भेजा। हां दोस्त, क्या नाम है उसका? भूरे विवेक। भूरे भूरे क्या बोला वो? मनु भैया से जरूर मिल के आना। अब तो इसको भेज रहा था नलायक जी, प्रेत वादा मेरे को। क्या पता प्रेत वादा नहीं, वहां पे दिखाया था ना, उन्होंने बोला डॉक्टर इलाज कर। मेरे मारने के बाद प्रेत आया, कितनी ताकत लगा रहा है ये तो देख। वापस आया और कमर में बैठा, इतने में बोल रहा है कि फेंटा पीने से सब ठीक हो जाता है, इतनी देर में प्रेत ने गड़बड़ कर दी है। फेंटा वालों का इतना अच्छा प्रचार हो रहा था, साला प्रेत चाहता नहीं फेंटा वालों का प्रचार। नहीं समझे, भारत के इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल फेल हो गए और फेंटा पीने से दर्द गायब हो गए। तालियां बजा दो। और इन हॉस्पिटल वाले सारे डॉक्टरों को ढूंढ के मर जाना चाहिए। भाई दर्द कहाँ है विवेक? हाँ खाना खाएगा, भूख लगी है इसको। ब्रेड ले जाओ भाई, ब्रेड ला। अरे ब्रेड भारद्वाज, तू किसी को बोल। अच्छा ये पैर पे खड़े हैं भारद्वाज, तो पैर पे खड़े हैं। उठाऊं क्या? ब्रेड लिया भाई एक। अरे कोई से चले होटल लेटो तो। बोलिए शनिदेव महाराज की। मेरे उसमें बिस्किट का पैकेट रखा है, वो लेके आ। देखा वो लड़की बिस्किट लाई मेरे लिए, कितना कीमती है बिस्किट और कितनी कीमती फेंटा है। अनु कह रही भैया आप, मुझे पता चल गया आप सबको पिला देते हो। अरे होने देना, तेरे को वहाँ का एहसास हो रहा है गधे, दर्द नहीं हो रहा है, एहसास हो रहा है तुझे कि असली दर्द ये है, ये नहीं है जो कमर में था। है कहीं दर्द? फिर लेटर है ना? ये कौन है काली सी? अरे बहन काली थी, तू घरवाली तो गोरी ले आता कम से कम निकम्मे। नहीं तू घरवाली गोरी नहीं लेके आ सकता था? नहीं मैं कह रहा मेरी बहन जैसी मैं वैसी लाऊंगा, मुझे गोरी नहीं चाहिए। अच्छा पक्का? पक्का, मेरी बहन जैसी चाहिए मुझे, जैसे ध्यान रखने वाली। है फैंटेसी के बिस्किट खा रहे हैं ननायक। ये बिस्कुट ही खाते हैं, रोटी तो उन्होंने कब से खाई नहीं है।
माँ कसम अब मैं और मेरा लड़का ही सेवा करता है। रात को अगर हम नहीं दबाएंगे ना तो सोएंगे भी नहीं। बहुत चिल्लाते पड़ोसी भी जग जाते हैं। नंद का तू नाम बताओ कर दिया। नहीं नंद के घर तो हम आज ही आए, कल ही आए। अच्छा कहाँ रहती है? हम तो फरीदाबाद रहते हैं। फरीदाबाद। और ये कहाँ रहती है? हम तो मथुरा से आए। बुराड़ी से? बुराड़ी मथुरा से। तो पहले तू आई फरीदाबाद और फिर यहाँ आई? क्या कह के कि दीदी वहाँ चलते हैं? कभी कोई हमें ठग ले? नहीं नहीं संभाल नहीं पाऊंगी ना मैं। अकेले नहीं पा रही थी ना, पकड़ पकड़ के लाना पड़ा ना। मैं अकेले कैसे उठाऊंगी? उठाना चढ़ाना नहीं हो रहा था ना घर पे तो मेरा लड़का और मैं कर रहे। वो तो खाने जो हाथ में नहीं, तू इसको भेज रहा था, इसको इतने ज्यादा दर्द। मैं भेज नहीं रहा था, मैंने ये बोला था कि आप दोबारा आ जाना अगर आराम पड़े तो। उनके बाद हम में भी तो आराम पड़ रही है। मैं नहीं बोली मैं कि भाभी एक बार आशीर्वाद दिला देते फिर चलेंगे। कोई उनकी किस्मत अच्छी थी, पहली बार नहीं आया। तो पहली बार आया, उसको दर्द तो देखना कितने थे। कौन कौन से हॉस्पिटल में दिखाया तूने इसको? जी टीवी में दिखाया था सबसे पहले। कहते क्या है डॉक्टर? ऑपरेशन करने के लिए बोला था, नस ब्लॉक। ये नस ब्लॉक बताई थी। दो ऑपरेशन नहीं, गर्दन की, यहाँ की, गर्दन की और रीढ़ की हड्डी की। चल भाई ये वही रखे भाई मेरे वहाँ। ऑपरेशन के लिए ले गए थे चार बार, फिर हार्ट बीट बढ़ने के कारण ऑपरेशन नहीं किया। मना कर दी कि ले जाओ। ले जाते हैं लेकिन करते नहीं। वो हार्ट बीट क्या कह रहे हैं, बनाने देना उनको। वो हार्ट बीट तो इसको प्रेत के कारण बड़ी। वो प्रेत को अपना ऑपरेशन नहीं कराना था, उनको समझ में आ गया प्रेत को मैं इसके अंदर घुस गया हूँ, अब मेरा ऑपरेशन डॉक्टर कर रहे हैं। नहीं समझे आप? फिर वो हार्ट बीट बढ़ रही थी ना, उसी कारण बढ़ रही है वो हार्ट बीट। प्रेत से घबराहट बढ़ती है और डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है हार्ट का। पता है तेरे को इस बात का? लेके भी गए थे संजियोग्राफी के लिए। डॉक्टर को ये नहीं पता ना कहीं मनु भैया बैठे हैं? छोड़ दे छोड़ दे, अपने हाथ से पकड़ ले। देख गर्दन में दर्द है क्या कहीं? बोले शनिदेव महाराज की गर्दन में इसके दर्द है। छोड़ दे, क्या हो रहा है? ठीक है अब थोड़ी सी पीछे ना सरक, पहले तो बहुत नीचे हाथ लगा रहे, पीछे सरक, कितने 10-15 किलो पहले ले बैठ गया है तो। और पीछे सरक, नॉर्मल हो गया, हो गया। तुम हाथ तो हाथ छोड़ दे, ले अब पैर फैला ले और अपनी तरफ कर। अब तो तू नॉर्मल बैठे, दर्द कहाँ गए? पर कसर मैं छोड़ दूँ? नहीं कसर छोड़ दी तो फिर जाका हो जाएगा भाई, फिर क्या करेगा तू? समझ में आ गया? सारे झूठे दर्द है, समझ गया क्या? हॉस्पिटल वालों ने बेवकूफ बना दिया। कितना पैसा तेरा लग चुका है वैसे? पैसा तो कम से कम 80,000। 80,000 तब लगाया जब तीनों हॉस्पिटल सरकारी पर रामनोट हो गया तो प्राइवेट था। प्राइवेट में भी करवा लिया, प्राइवेट है लेकिन आधे पैसे लगते हैं आधे सरकारी में हो जाते। क्यों? एक हार्ट का होता 13,000 रुपए का, हार्ट का टेस्ट। तो हार्ट तो उससे ठीक नहीं हुआ, हार्ट में तो अभी भी घबराहट हुई थी इसके, हुई थी कि नहीं? फिर तो नॉर्मल हो गया। फिर उसमें आया था कि रिपोर्ट में, डॉक्टर ने ऐसे पैर दबाया था? नहीं ऐसे कुछ नहीं करा। संजियोग्राफी के लिए ले जा रहे थे लेकिन फिर मना कर दिया, पता नहीं इको में कुछ गड़बड़ हो गई थी। लेटना चाहता है? छोड़ दे बैठ, पालथी मार के, पालथी मार के बैठ। छोड़ना तो इसको, क्या सहारा दे रही है दुनिया को? उठा ले कंधे पे, सीधा कर कर। क्या नाम है तेरा? चंदर। इंदर। अच्छा इंदर, भाई सब बैठ जाओ, बैठ के देख लो। बैठ जाओ ना भैया। हाँ जितना वीडियो बना रही है वो अपनी पूरी कर ले वीडियो खड़े होके। इंदर को अब हवा लगी है, तुमने तो हवा रोक दी थी इंदर की। इंदर को तो अब चांदना दिखाई दिया है, मेरी भी हवा रोक रखी। बैठ जाओ भैया, नीचे बैठ जाओ। इंदर के लिए तालियां हो जाए। हाँ इंदर बता बता, इंदर दर्द कहाँ है? दर्द का तो सारा रोग ही था है, अब नहीं है। खड़ा हो, चल अपने आप ही होगा, हम तो सारा दे तो इसका बिस्किट। रुक जा अभी, अभी रुक जा, बाद में आके खाएगा। जा गुप्ता जी के तो जाए तो नहीं। ये आदमी कौन है? अच्छा तेरे आगे पीछे जब ही घूम रहा है ये है? ऐसे अपने आप उठे क्या महीने हो गए? कभी उठा ही नहीं जब से बीमार हुआ है। अब कमाल है भाई, कभी उठा ही नहीं जब से बीमार पड़ा।
कैसे उठता था, पुरानी बात भूल गया तू कैसे उठता था, तू डर रहा है बिना बात के, उठ के दिखा, दर्द हुआ कहीं? दर्द नहीं होना तो उठना। चार महीने से कमजोरी आ रही है, खाया तो कुछ है ही नहीं। मम्मी ने खाया, मैंने फल फ्रूट सब मंगाए थे, नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं खा रहा। हाँ उठ जा, उठो। अच्छा ले सारा ले, ले इतना सारा ले, ले। बोलिए शनिदेव महाराज की। हाँ इंदर कहाँ दर्द कुर्सी ला दो, आप इनके साथ आइए। कोई नहीं, हम दो ही बहन भाई रह गए। क्यों बाकी यही चीज ना हो, देख लो इतनी ताकतवर है, यही चीज ना हो इतनी ताकतवर है, पता चले यही एक के बाद एक पे आती जा रही है, सब ऐसे ही टूट टूट के जा रहे हो, सब ऐसे ही दर्द से टूट रहे हो। मम्मी कैसे गई थी? मम्मी तो मैं पैदा हो, पिताजी देखे थे? पिताजी कैसे गए थे? वो कैंसर में गए। तो कैंसर में भी दर्द बढ़े होंगे उनके ऐसे ही? अब इसके क्या है, इसके घबराहट होगी थी, डॉक्टर क्या कर रहे हैं बता भाई, कहाँ दर्द है कहाँ घबराहट है? दर्द नहीं है, जो पूरा पूरी देह चप चप कर रही थी और दर्द ही दर्द भरा पड़ा था, वो दर्द गायब हो गया। क्या बच्चे थे? तो एक लड़का एक लड़की। इतने बड़े बड़े हैं काले? लड़का क्या कहते हैं 14 साल का है, लड़की 12 साल का। काम करने वाला भी कोई नहीं है, काम करने वाला ना बच्चों को रोटी खिलाने वाला, और कौन है वो बच्चों के पास? खाने तो उसके नानी को छोड़ दो। उनका दोस्त ही बोल रहा था कि ले मेरे से ले जा पैसे, तू एक बार रुक गया, मैंने कोई बात नहीं हम चले जाएंगे। उसने भेजा हमें यहाँ पे, हमें पता भी नहीं यहाँ के बारे में तो कभी, एड्रेस बोल पूछ के आए मुझसे। तो धोखा ही रही है, पहले नहीं रोई आज से? हाँ बहुत रोई है, हॉस्पिटल में तो बहुत रोई। तो हॉस्पिटल में जब रो रही थी डॉक्टरों को देखे नहीं तेरे आंसू? हाँ डॉक्टर कहाँ देखते हैं आंसू, डॉक्टर आंसू नहीं देखते, क्या देखते हैं फिर, क्या देखने के लिए डॉक्टर बने? पैसा देखते हैं, क्या देखने के लिए? पैसा तो खैर नहीं देखते, लेकिन वो बस दवाई लेने के बाहर से आते हैं। नहीं वो तो सरकारी हॉस्पिटल में उनकी तो तनख्वाह 3-3 लाख रुपए है, तू क्या सोच रही है? नहीं पर सामान तो 3-3 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए तनख्वाह, 3.5 लाख रुपए तनख्वाह डॉक्टरों की, एमडी की। महंगा महंगा होता है उनका ना, फिर भी अपनी तरफ से सामान तो लाना ही पड़ता है ना, सामान ही इतना महंगा होता है। ऑपरेशन के लिए सारा सामान बाहर से मंगवाते हैं, तो फिर सरकार ने हॉस्पिटल खोले किस लिए है? फिर सरकार हॉस्पिटल खोल के क्या दिखाना चाहती है? बाहर से कमीशन सेट रहता है ना जी, बाहर से कमीशन सेट, स्टोरों से भी कमीशन सेट होती है, स्टोरों से भी, दवाई वालों से भी, सबसे, टेस्ट वालों से भी, अंदर की मशीनें खराब कर देते हैं, बाहर से टेस्ट कराए जाते हैं, 35-35% उन मशीनों का मिले जाता है, कोई बड़ा आदमी आ जाता है उसका करके दिखा देते हैं, देखो जी मशीन ठीक है, मशीन तो नई की नहीं पड़ी रहती है कच्चा कच्चा, जब उस पर आदमी नहीं बैठेगा तो क्या, क्या डॉक्टरों ने देखा आज तक इसको? पल्ला झाड़ते रहते हैं वो, कहते हैं यहाँ से कितने डॉक्टरों ने देखा है इसको आज तक? बहुत सारे डॉक्टरों ने देखा, पानी पिलाओ, बहुत सारे डॉक्टरों ने देखा है।
बहुत सारे कितने अपने आप को पानी भी नहीं पिया जा रहा था, पिलाना पड़ता था। अपने आप पानी भी नहीं पिया जाता था, पिलाना पड़ता था, इतना दर्द था। एक हाथ ऊपर उठाइए पहले, एक हाथ से ही पानी पिए। इसको दो चार दिन यहीं रखना है। अब तू दो चार दिन लेके आ, लेके जा, कैसे ही कर, ठीक है? मैं अब देखता रहूँ आरोप। ये जितने भी डॉक्टर हैं हॉस्पिटल्स में, इनको निगेटिविटी के बारे में कुछ नहीं पता। सब में तकरीबन निगेटिविटी घुस गई है, सारे दर्द उसी से हो रहे हैं। ये केवल ऑपरेशन कर रहे हैं, इनकी सारी डिग्रियां फेल है। और ये इस समय भारत पे बुरा वक्त चल रहा है, भारत जो है वो निगेटिविटी से घुसता जा रहा है, दर्द में बढ़ते जा रहे हैं लोगों के। और उसके पीछे का कारण हमें ईश्वर को ना मानना है। हमारी हमारे भगवान में श्रद्धा खत्म हो चुकी है, उसमें अटूट हमारी जब श्रद्धा होगी तभी हम जो है सबसे पार पा पाए। ये वही करता ना, देखो कितनी जोर जोर से मार रहा है। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय। शनिदेव महाराज, इंद्र जी कहाँ दर्द है? कहीं भी दर्द नहीं।